अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने मसल्स, स्केलेटल मसल्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें कल हमने स्ट्रक्चर वगैरह देखा है, आज हम देखेंगे कि उसके जो वो कनेक्शंस हैं जहाँ पे थिक एंड थिन फिलामेंट्स वगैरह हैं वो किस तरह से आपस में जुड़ती हैं, उनके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो कैसे कंट्रोल हो रहे होते हैं वो सारा देखेंगे। तो जब मसल्स रेस्ट पे होता है तो ट्रोपोमायोसिन डिस्पोज इन सच ए वे दैट इट कवर द साइट, मीन क्या होता है कि वो जो मायोसिन का हेड होता है वो कवर, वो अटैच नहीं हो पाता उसके साथ थिन फिलामेंट के साथ, मीन रेस्ट की हालत में जब अटैचमेंट नहीं होती तो वो फिर वो रिलैक्स रहते हैं। और जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम आयंस होती हैं तो वो वहाँ पे साइट पे पहुँचते हैं, तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन जो कि थिन फिलामेंट का एक वो है पार्ट, उसके साथ जाके अटैच होता है। जब वो अटैचमेंट होती है तो वो ट्रोपोनिन जो है वो थोड़ी सी मूव कर जाती है उसकी जो चेन है, तो जब वो मूव करती है तो ट्रोपोमायोसिन भी डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि दूसरी जो है वो भी डिस्प्लेस हो जाती है और बाइंडिंग साइट जो है वो एक्सपोज हो जाती है जहाँ पे मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट ने आके अटैच होना है। मीन थिन फिलामेंट की वो साइट पहले जो रहती है, तो क्या होता है कि फैक्ट डिस्प्लेस द एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन व्हेन मायोसिन हेड हैज बिकम अटैच्ड, वो अटैचमेंट साइट एक्सपोज होगी तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन यानी थिन फिलामेंट के साथ थिक फिलामेंट की अटैचमेंट जो है वो हो गई है। इस दौरान इस अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं एटीपी जो ब्रिजेस को जो है ना वो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये एटीपी आते कहाँ से हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ईच मसल सेल में, वहां पे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जो यहाँ पे आके फिर वो कंज्यूम होते हैं। तो होता क्या है, जब डेथ होती है किसी पर्सन की तो एटीपी बॉडी में उसकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है, जब वो एटीपी का अमाउंट रिड्यूस होती है तो फिर वो ब्रिजेस जो है जो किसी तरह आपस में बाउंड हुए हुए थे वो अलहदा नहीं हो पाते, जब वो अलहदा नहीं हो पाते तो वो दे रिमेन फिर्मली बाउंड और दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। उसी तरह से आप कहते हैं जैसे मरने के बाद ही फौरन इसकी टांगे सीधी कर दो, इसके बाजू सीधी कर दो, वो क्यों कहा जाता है क्योंकि आफ्टर सम टाइम एटीपी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो फिर वो अलहदा नहीं हो पाएंगे, वो वहीं पे ही स्टिक नहीं हो जाएगी उन चीजों के। तो एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयन किस तरह से होता है, तो वो सिग्नलिंग कहाँ से आती है, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होते हैं मसल के ऊपर, तो नर्व इम्पल्स जो है वहां पे आती है उस जंक्शन पे, तो फाइबर जो है सिंगल मीन वहां पे मोटर यूनिट बनता है उस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जहाँ पे नर्वस सिस्टम का स्केलेटल मसल के साथ यानी वो लिंक बनता है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक ही सिग्नल सबको मिलता है, पूरे एक मसल की फाइबर जो है किसी खास मसल की वो एक ही सिग्नल से कंट्रोल हो रही होती है। तो मोटर यूनिट से जो है वो साइमल्टेनियसली एक्शन पोटेंशियल फायर होता है जो सारी फाइबर्स को जाता है और वो फिर सारी साइमल्टेनियसली ही एक्ट करती है। तो सार्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर यानी जो उसकी मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की वो अंदर की तरफ पिंच हुई होती है, होलो ट्यूब सी बनाती है मसल फाइबर के अंदर, अंदर को यू उसकी डिप्रेशन बना हुआ होता है, उसको कहते हैं टी ट्यूब। तो टी ट्यूब द लिमर विच इज कंटिन्यूस विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मीन क्या है कि वो अंदर को डिप्रेशन है, जैसे आपने देखा नहीं एंडोसाइटोसिस में वो अंदर को डिप्रेशन सा बनता है, बिल्कुल उसी तरह अंदर से अंदर को डिप्रेशन होता है जो बाहर वाले एनवायरमेंट के साथ उसका लिंक होता है, और इस तरह थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब जो है वो मसल सेल की कलेक्टिवली बनाती है टी सिस्टम। इट एक्सटेंड एंड इनसर्कल्स द मायोफिब्रिल्स एट द लेवल ऑफ जी लाइन, जो जी लाइन है ए बैंड या एन आई जंक्शन पे उन जी लाइन के कर रही होती है। द टी ट्यूब्यूल एंड टर्मिनल पोर्शन जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ट्राइएड्स बनाती है रेगुलर इंटरवल पे, और जब जो है वो नर्व इंपल्स टी ट्यूब्यूल के पास आती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम गेट्स जब ओपन होते हैं तो वहां से कैल्शियम जो है वो रिलीज होते हैं और वो साइटोसोल में जाते हैं, और वो जाके फिर वो जो हमने पीछे पढ़ा है कि उसने ट्रोपोनिन के साथ अटैच होना है और थिन फिलामेंट के साथ, तो बाइंडिंग जो है वो क्रॉस ब्रिजेस को एक्सप्लोर करती है जिससे जो है वो ये अटैचमेंट होती है, यानी पहले नर्वस सिस्टम से एक वो सिग्नल आएगा टी ट्यूब्यूल को और फिर साथ ही साथ कैल्शियम की भी वो स्टार्ट हो जाती है, गेट्स उसके ओपन होके कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये आर आर नन है, मीन सारी के सारे फाइबर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं करेंगी, ये नहीं है कि कुछ जो है वो करेंगी कुछ नहीं करेंगी। हाँ उनकी डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड करती है कि ज्यादा करें या कम करें,
नंबर ऑफ फाइबर्स नहीं, जबकि उनके रिएक्शन का कहने की उसकी जो डिग्री है वो चेंज हो सकती है कि सारी फाइबर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करें या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन पार्टिसिपेट सारी करेंगे या सारी नहीं करेंगे। तो एनर्जी, एक तो एटीपी हमने देखा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए होता है, तो वो एटीपी आता है। तो ये एटीपी एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो ग्लूकोज उससे माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा होता है। इसके अलावा जब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म, इट इज प्रोवाइडेड बाय अनदर एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस कार्ड क्रिएटिंग फॉस्फेट, इससे फिर वो उस कमी को पूरा किया जाता है। समटाइम क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एटीपी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए काफी नहीं होती, तो एटीपी को फिर एनएरोबिक ब्रेकडाउन के जरिए उसकी कमी को पूरा किया जाता है। और आपको पता है एनएरोबिक के नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है, ये लैक्टिक एसिड जो है वो मसल फटीग का बाइस बन सकता है। ये एक तरह से इमरजेंसी में एटीपी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये किया जाता है। तो जब रेस्ट की हालत में आते हैं तो लैक्टिक एसिड दोबारा एरोबिकली ब्रेकडाउन होके उसको ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और 4.5 लैक्टिक एसिड इनटू ग्लूकोज। मसल फटीग है कैसे होती है, यानी मसल का थक जाना, तो स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मीन मसल कॉन्ट्रैक्ट करने में बंदा नहीं कर पाता, तो इसमें एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जब एटीपी नहीं अवेलेबल होता तो स्टेट ऑफ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट बिकम द क्रॉस ब्रिजेस आर अनेबल टू डिटैच, मीन वो नहीं डिटैच हो पाते जिसकी वजह से मसल की वो मूवमेंट रेगुलेट नहीं हो पाती। और इसके अलावा जो है वो लैक्टिक एसिड एंड आयनिक इम्बैलेंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फटीग, तो मसल पीएच को जो है वो ये कम कर देते हैं जिसकी वजह से मसल पेन भी होती है और एक्सट्रीम फटीग का भी एहसास होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल, एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से जो मसल्स हैं उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो ज्यादा उनकी साइज भी बढ़ जाता है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और फटीग रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, थकावट भी कम होती है। तो इसमें होता क्या है, कैपिलरीज जो है वो जब एक्सरसाइज की जाती है तो मसल फाइबर के अराउंड जो है वो कैपिलरीज जो है वो बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाता है, जिससे जो एनर्जी है वो प्रॉपर सप्लाई उसकी होती रहती है, मायोग्लोबिन भी प्रॉपर जो है वो अपनी ज्यादा वो मिकदार में होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर रहती है और वो सारा प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है और वहाँ पे कमी नहीं होती एटीपी वगैरह की। तो कंप्लीट इमोबिलाइजेशन में अगर वर्क ना किए कोई मसल करे तो मसल वीक हो जाता है और वहाँ पे स्वेर एट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा कंडीशन होती है मसल से रिलेटेड टेक्निक, ये लो कैल्शियम लेवल ब्लड में उससे हो जाता है, अकड़ जाते हैं मसल। इट इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है, मसल जो है वो ट्विचेस होना शुरू हो जाती है, कन्वर्जन होना शुरू हो जाती है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये लेरिंग्स, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और डेथ का बाइस बन सकती है, क्योंकि वो मसल्स जो है वो ऐसे ही मुड़ते रहते हैं ना, तो वो उससे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल है वो बहुत इफेक्ट हो सकते हैं और उससे डेथ भी हो सकती है। क्रैम्प्स है, तो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन है, पूरा पूरा मसल जो है वो क्रैम्प हो जाते हैं, खलियां पड़ना जिसको हम आम रूटीन में कहते हैं, तो ये फ्यू सेकेंड से लेकर सेवरल आवर तक होती हैं और मसल्स टू बिकम टॉट एंड पेनफुल, सख्त हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। और ये थाई और हिप मसल में बहुत कॉमन पाए जाते हैं, रात को होते हैं एक्सरसाइज के बाद, आपने देखा होगा कभी आप ज्यादा चले तो उससे भी ये हो जाता है। इट रिलेट्स लो ब्लड शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन, उससे ये होता है। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था।